दोस्तों एक बहुत छोटा सा शेयर है, 20 रुपए के आसपास का स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑसम, अमेजिंग फंडामेंटल्स हैं और मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार इस शेयर को आपके साथ डिस्कशन किया था तो वहाँ से और अभी करंट प्राइस में मात्र 5 से 7 रुपए की ही गिरावट है। यानी कि यहाँ पर ये एक बॉटम बेस फॉर्मेशन कर रहा है जबकि स्टॉक आप पूरे मार्केट को देख सकते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग मार्केट में रही है, लेकिन ये स्टॉक अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और अपने बेस को बना रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको काफ़ी बड़ा मुनाफा दे सकता है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो स्पेशली फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और आने वाला समय इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। जब ये शेयर दहाड़ेगा, ये टाइटल केवल इसीलिए है क्योंकि इस वक्त ये स्टॉक बहुत ही शांति में है। इस वक्त जो अगर मैं बात करता हूँ इसमें बाइंग पोजीशन की, तो बड़े निवेशकों का निवेश इस वक्त चल रहा है स्टॉक के अंदर, लोग खरीदारी कर रहे हैं और ये वक्त आपके लिए भी बहुत ही शानदार है क्योंकि इस वक्त पैनिक सिचुएशन में सब हर कोई व्यक्ति स्टॉक्स को सेल आउट कर रहा है। बट अगर आप अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें SIP मेंटेन करते हैं, इस वक्त स्टार्ट करते हैं और अगले 12 से 24 महीने आप स्टिल होल्डिंग पोजीशन में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में जब बुलिशनेस आएगी तो आपको एक अच्छा और बेहतरीन मुनाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टॉक की बात करते हैं और ये स्टॉक है HFCL का, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये HFCL का स्टॉक है जो कि टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का एक बेहतरीन स्टॉक है। HFCL इसके NSE का कोड है और BSE का कोड है 500183। अभी फिलहाल 20 रुपीज़ 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, फ्लैट अभी आज ना तो ग्रीन में है ना रेड जोन में है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करते हैं, यहाँ पर 23 अक्टूबर को HFCL ने 366 करोड़ रुपये का एक BSNL से ऑर्डर मिला था इनको भारत नेट प्रोजेक्ट में। तो भारत नेट जो भारतमाला जो है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इस कंपनी को और काफ़ी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अपने बैलेंस शीट में शो कर पाएगी। 2500 करोड़ की मार्केट कैप है, लगभग 9 की बुक वैल्यू है। अभी फिलहाल जो बुक वैल्यू का लगभग 2.2% चल रहा है। इंडस्ट्री की PE 26.28 है। तो हम आपको स्टॉक की PE भी एक बार देख लेते हैं, skinner.com.in पे हमें स्टॉक एक चेक पी मिल जाती है HFCL। ओके, सो यहाँ पर 14.35 इसकी करंट PE है। ROCE काफ़ी शानदार है 16.86 का, ROE 13.95 काफ़ी बेहतर है, EPS 1.37 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए कितना शानदार है 8.86% का, ठीक है। एंड यहाँ से फेस वैल्यू जो स्टॉक की है वो अभी 1 की फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल स्टॉक। तो ये इसके बेसिक ब्रीफ फंडामेंटल थे। 31 अक्टूबर को क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं स्टॉक के, यानी कि अभी 23 अक्टूबर चल रही है और 31 अक्टूबर को इसके क्वार्टरली नंबर्स आएगा और मुझे लगता है कि स्टॉक काफ़ी बेहतर नंबर पेश कर सकता है सितंबर तिमाही में भी। इसके कुछ जून तिमाही के नंबर्स के बारे में मैं आपको एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो कुल कर्ज है अगर बात करते हैं तो 237 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, जो कि धीरे धीरे ये लोग रिड्यूस भी कर रहे हैं। नेटवर्थ 1276 करोड़ की है, शानदार कंपनी की ग्रोथ है। बुक वैल्यू लगभग 9.8 बन गई जो कि पिछले साल लास्ट ईयर 8.42 की थी। यहाँ पर एनुअल नंबर्स की भी बात करेंगे तो कंपनी ने 2018 की मार्च में काफ़ी बेहतर नंबर्स पोस्ट किए थे और यहाँ पर हम आपको नंबर दिखाते हैं। 3000 करोड़ का टोटल मार्च 18 में टर्नओवर था जबकि मार्च 17 में 2000 करोड़ का था, यानी कि लगभग 50% इंक्रीज हो गया था सेल्स मार्च 17 से मार्च 18 में जाके। उसके अलावा जो प्रॉफिट देखेंगे 123 करोड़ से बढ़ के 203 करोड़ पहुंच गया, लगभग 80 करोड़ का मुनाफा कंपनी को बढ़ा और जो नेट प्रॉफिट है 123 करोड़ से बढ़ के 155 करोड़ पहुँच गया। सो ओवरऑल इनका जो टैक्सेस था, लास्ट ईयर टैक्सेस नहीं गए थे, इस वर्ष इनके लगभग 48 करोड़ के टैक्सेस भी गए थे और यही कारण था इनका जो प्रॉफिट था वो 203 करोड़ से घट के 155 करोड़ आ गया था। तो ये 155 करोड़ अगर पिछली बार के मुकाबले देखेंगे तो लगभग 25 से 27 करोड़ का प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हो चुका है इस वर्ष भी, सॉरी जो 2018 में था। इसके बाद अगर जून क्वार्टर नंबर की बात करेंगे तो क्वार्टर नंबर भी काफ़ी बेहतर पोस्ट किए थे कंपनी ने। जून 17 में कंपनी ने जहाँ पर 836 करोड़ का सेल्स दिखाई थी, वहीं जून 18 में 1000 करोड़ की सेल्स दिखाई और प्रॉफिट भी 40 करोड़ से बढ़ के PBT 70 करोड़ पहुंच गया और जो नेट प्रॉफिट था वो कंपनी का
25.63 करोड़ से बढ़कर 44.36 करोड़ था। ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही ग्राउंड पर अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। स्पेशली ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में कंपनी काम करती है और एक अच्छा बिजनेस लाइन है। भारतमाला प्रोजेक्ट में अच्छे अच्छे जिनको टेंडर्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी हेल्दी होती चली जा रही है, जिससे इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़बरदस्त बूस्ट करेंगे। इसका जो प्रॉफिट सॉल्यूशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाते हैं ये लोग, सिक्योरिटी नेटवर्क से रिलेटेड रेलवे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकॉम टावर्स वगैरह, बैटरी मैनेजमेंट, सोलर सेक्टर में माइक्रोवेव रेडियोज़ होते हैं, जीपॉन ठीक है, एरियल आर्मर्ड FTTX माइक्रो अनआर्मर्ड, तो ये टेलीकॉम नेटवर्क है, FTTX इन बिल्डिंग OFCs ऑप्टिकल ट्रांसमिशंस, रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क्स में भी ये लोग काम करते हैं एंड सेफ एंड स्मार्ट सिटीज़ में भी। तो ओवरऑल आने वाला समय डिजिटल मार्केट का है, डिजिटल वर्ल्ड का समय है और वहाँ पर इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर, सिक्योरिटी, यू नो, सभी का इतना डिमांड होगा और उसको फुलफिल करने के लिए ये जो कंपनीज है एट प्रेजेंट काम कर रही, चाहे वो शिला टेक्नोलॉजीज़ हो गई, चाहे वो HFCL हो गई, ये कंपनीज का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइट होने वाला है। तो इस कंपनी पे आप फोकस बनाकर रखिए, SIP मेंटेन कीजिए, मुझे लगता है कि SIP आपको इस शेयर में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देगी दोस्तों। तो ये हमने HFCL के बारे में बात किया। फिलहाल HFCL के स्टॉक के को हम लोग देख लेते हैं, एक बार टेक्निकल भी एक बार चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करेंगे और हम मंथली चार्ट पे आपको दिखा रहे हैं कि ये इस वक्त 19.72 एक बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल सपोर्ट लेवल है मंथली चार्ट पे, यानी कि मंथली क्लोजिंग अगर आती है 19.7 के नीचे तो फिर और वीकनेस आएगी और फिर 18 और 17.5 के लेवल तक जा सकता है। बट जब तक 19.7 के ऊपर की तरफ ट्रेडिंग दे रहा है और अगर अक्टूबर मंथ में इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग आती है तो यहाँ से हमें नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग मंथ्स में इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल आप HFCL में मंथली स्टॉप लॉस जो बना के रखेंगे वो 19 रुपीज़ का बना के रखेंगे। अगर 19 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है कि फिर 15 से 16 रुपये का लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अपसाइड में जो इसका रेजिस्टेंस है वो अपसाइड का इसका रेजिस्टेंस है लगभग 25 रुपीज़ 70 पैसे का, 26 रुपीज़ आप मान सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। एक बार मंथली चार्ट पर 26 रुपीज़ के ऊपर की तरफ ये बंदी देता है तो जो नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो रहेगा 29 रुपीज़ 98 पैसा। ओवरऑल 30 रुपीज़ के ऊपर मंथली चार्ट में जब ये ग्रीन में पोजीशन देगा, क्लोजिंग देगा, उसके बाद ये स्टॉक आपके लिए बुलिश मोड में चला जाएगा और फिर वहाँ से आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न आने वाले सालों में दिखाई देंगे। तो ये HFCL के बारे में बात की, पेशेंस से आप इसको SIP कीजिएगा, अगले 3 से 5 सालों के लिए होल्ड कीजिएगा और आप इसमें बड़ा और बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि अभी लो वैल्यू पे इस समय ट्रेड कर रहे हैं और आपको बहुत ही हायर अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रॉफिट की, पैसा कमाने की और आपको अमीर बनाने की गारंटी देते हैं ये शेयर्स। अगले वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री। थैंक यू फ्रेंड्स।